नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सालासर मंदिर के बिल्कुल बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि साथियों दो दिन पहले सालासर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके चलते सालासर मंदिर में कई लोगों की जेब कटी थी, कई लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे। लेकिन आज एक भाई साहब ने एक चोर को पकड़ लिया है, क्योंकि उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद में इन्होंने पहचान कर ली थी। और जिस लड़के को पकड़ा गया है तो बताया जा रहा है कि वो लड़का गूंगा, बेरा और पागल बनकर यहाँ में सिरसा के सालासर मंदिर के आसपास घुमा करता था। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप मेहता जी। हाँ जी, 30 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा लेके हमने यहाँ पे सालासर मंदिर में समापन करी थी। तो हम राम जी के दरबार में बालाजी के आगे खड़े थे अपनी मस्ती में। हमारा वीडियो सबको पता है, यहाँ से वीडियो निकाल के गए। हम 3-4 दिन से यही काम कर रहे हैं, अभी हमारी जेब में से कैसे गायब हो गया? सारी यात्रा पूरी कर ली, सारे बाजारों में घूम के, मोबाइल 2 मिनट पहले मैंने संभाला था, आया 2 मिनट बाद संभाला नहीं है। तो वीडियो खंगाली, वीडियो में ये लड़का ये सामने बैठा है आपके, ये इसकी तस्वीर देखी, इसके बारे में पूरा डाटा यहाँ से जानकारी ली, अड़ोस पड़ोस से जहाँ से हमें जितनी मिली। तो हमें पता लगा कि ये बस स्टैंड में रहता है, बस स्टैंड में, वहाँ पे जाके मैंने 3-4 जगह वहाँ पूछा, सबको फोटो दिखाई, वीडियो दिखाई, सबने बोला जी हाँ यहाँ रहता है, यहाँ पे 8 बजे आ जाता है या 10 बजे आ जाता है। मेरा एक मोबाइल और 32,200 रुपये और मेरे कागज़ का सारा हिसाब किताब मेरा। मैंने इसको इतने तक पकड़ के, मैंने इसको पकड़ा आते ही, तो ये मैंने इसको दिखाया, मैं कहा वीडियो ये बेटा तेरी है, कहता मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कब कहा चोरी की है तूने? मैं कहा बेटा तू एक बार खड़ा तो हो इधर आ। बोले मैंने मोबाइल नहीं निकाला, मैंने मोबाइल निकाला, अपने मुंह से बोल रहा है ये, मैंने नहीं कहा, फोटो दिखाई, ये मान रहा है मैं हूँ। अब ये बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? अब आपने पुलिस को सूचना दे दिया, पुलिस बुला ली? अभी मैंने कोई पुलिस को सूचना नहीं दी, अभी मैं इससे अपने लेवल पे पूछताछ कर रहा हूँ। सुनने में आ रहा है आज जो लोग हैं उन्होंने फोन कर दिया 112 को। हाँ, हो सकता है किसी बंदू ने कर दिया हो। तो और भी कितने लोगों की जेब कटी है? कल भी मैं इसको ढूंढता हुआ यहाँ पे 2-3 घंटे लगा के गया हूँ। कल सालासर मंदिर की यात्रा थी, शोभा यात्रा निकाली हुई थी, तो कल भी इसने एक दैनिक भास्कर में एक भाई साहब यहाँ खड़े थे, वो बेचारे वो भी ये लोगों की नज़र में पागल है, गुंगा है, बहरा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुर्ते पजामे वालों को टारगेट करता है। कल भी वो कुर्ता पजामा डाले हुए थे भाई साहब, उस दिन मैंने कुर्ता पजामा डाला हुआ था, उनका भी मोबाइल कल इन्होंने निकाल लिया। और कल एक लेडीज भी चला रही थी, उसकी चैन भी यहाँ पे निकली है। ये इनका 2-3 लड़कों का गैंग है, ये कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। कोई कहता है इसका माँ बाप नहीं है, कोई कहता है इसका घर नहीं है, ये सामान बेचता कहाँ है, करता कहाँ है। मैंने इसको कहा तू बेटा मोबाइल भी रख ले, पैसे भी रख ले, मेरा कागजों में हिसाब किताब ज़्यादा है, तू मेरे को कागज दे दे। कहता ना मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। अब आप बताओ इसके साथ क्या किया जाए? और भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, आसपास के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक लड़के को पकड़ा गया है। के बाद में एक लड़का, दो व्यक्ति गुजर रहे थे और कह रहा है कि ये भी चोर हैं, तो आप दे सकते हैं किस तरीके से इनको पकड़ा गया है और ये बता रहा है कि ये भी चोर है, आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे? ये बता रहा है ये लड़का, अब आपके सामने बता रहा है, इधर आइए बेटा, हेलो, इसको नीचे रख, नीचे रख, इसको नीचे रख। ये लड़का बता रहा है ये दोनों चोर हैं, ये लड़का बता रहा है। क्या क्या चोरी की इन्होंने तेरे साथ मिलके, कोई किया था क्या? कल ये दोनों देखे अंकल, कल ये दोनों तेरे साथ थे? नहीं, मैं चल गया अंकल। तू चला गया? बस अड्डे चल गए। तू बस अड्डे चला गया था? और ये एक गोजी काटने लग रहे अंकल, मैं इधर गोजी काटने लग रहे दोनों। इन दोनों ने गोजी निकाली? तूने देखा था? अंकल चैन नहीं तोड़ी अंकल। बोलो, कल एक चैन चोरी हुई है और एक मोबाइल चोरी हुआ है, और मेरी जेब में से जो गोजी गोजी ये कर रहा है ना, गोजी मेरी जेब में से निकाली है। अब ये साथियों आप दे सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का एक गिरोह, किस तरीके से जिनको लोग पागल समझते हैं, लाचार समझते हैं और जिनको बेसारा समझते हैं, वो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं और भीड़ होती है, कोई मेला लगता है, कोई बार त्यौहार आता है, तो उस समय ये चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। साथियों ऐसा ही वाक्या साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3-4 दिन पहले हुआ, सिरसा के सालासर मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ थी, हजारों लोगों की भीड़ थी और उसके बाद में इन्होंने जेब
काटने का काम किया। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। सीसीटीवी फुटेज में भाई साहब ने इस व्यक्ति की, उस लड़के की पहचान कर ली। उसके बाद में इसको पकड़ लिया गया है, डायल 112 को फोन कर दिया गया है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया। डायल 112 की टीम साथियों मौके पर पहुंच चुकी है।